कल हमने बात की कि जो हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है ना, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. वॉट एवर वी आर बिलीविंग, हम जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप जो भी करते हैं, पर जो हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है, अगर उसे हम समझ नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट टूडे देन टूमोरो यू हैव. उसमें से एक जो फैक्ट हमने कल बात की कि वो है मानव को, मनुष्य को जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद प्राप्ति का ध्येय होता है. वट एवर आई एम डूइंग, मैं चित्रकार हूँ, मैं अच्छे अच्छे चित्र बनाता हूँ. क्यों? मुझे अच्छा लगता है, आई एम फीलिंग गुड, मुझे आनंद आता है. मैं म्यूजिशियन हूँ, आई एम प्लेइंग म्यूजिक, आई एम राइटिंग म्यूजिक, वॉट एवर. क्यों? क्योंकि जब मैं करता हूँ, आई विल बी इन अ ट्रांस. आई हैव सीन पीपल सेइंग लाइक दिस, मैं जब चित्र बनाता हूँ, जब मैं ये काम करता हूँ, जब मैं वो काम करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं ट्रांस में चला जाता हूँ. आपको पसंद है, आपने वो किया, बार बार किया, जब इच्छा पूर्ण हुई तब अपने आप निर्विचार अवस्था का निर्माण हो गया. वो निर्माण होके वो अवस्था थोड़ी लंबी चली, आपको वो ट्रांस लगा. अल्टीमेटली द थिंग इज व्हाट, इसको इस तरह से समझिए कि आपको प्लेन की टिकट लेनी है. इफ यू वांट टू टेक अ प्लेन टिकट, आप किसी भी वेबसाइट से जा सकते हो, ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, 3, 4, 5, 10, 15. But ultimately, finally, where you have to go, indirectly or directly, उसका जो main junction होता है कि जहाँ पर से ये tickets issue होती है, वो company होती है, उसमें जाना पड़ेगा. And they will issue the tickets. आप कोई भी website ले लो. उसी प्रकार जब आप आनंद की बात करते हो, जीवन की ध्येय की बात करते हो, तो we are in search of pleasure for the whole life. और उस दौरान हम कुछ भी करें, जो भी करें, किसी अलग 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 प्रक्रिया का उपयोग करें, पर फाइनली यू हैव टू बी नियर टू गॉड, नियर टू नेचर, विच इज कॉल्ड द निर्विचार अवस्था, ब्लैंकनेस ऑफ माइंड. आप कैसे करते हो, इट इज टोटली अप टू यू. मेडिटेशन इज वन ऑफ द वे विच आई हैड प्रैक्टिस, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मास्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से दैट दिस इज अ सिंपलेस्ट वे. मतलब कि पहली बार जो कल हमने की कि आपको निर्विचार अवस्था प्राप्त करनी है, अगर जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो अब ये निर्विचार अवस्था प्राप्त करने के लिए जाने अनजाने में आपको आध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज योर सेंसरी ऑर्गन्स कि जहां पर जाके मैं उसका उपयोग करके मैं जो आनंद प्राप्त करूंगा वो स्टे करेगा. इट विल नॉट स्टे. मेरी आंख ने कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज गुड, बट इट कैन नॉट बी स्टे. वो रुकेगा नहीं, वो आया और चला गया. तो कहने की बात ये है कि ये एक पहली चीज है जो हमें समझ दी रहेगी, अगर जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो तकलीफ है वो दूसरे किसी के व्यक्ति के जीवन में नहीं है. सबके जीवन में अपने मुताबिक तकलीफ है. मैं बहुत टाइम पहले एक सूरत में मेरी शिविर थी, सूरत में मेरी शिविर में मैं गया था, तब एक भाई मुझे मिलने आए, मुझे क्या के बोला, आई एम नॉट हैप्पी, रियली नॉट हैप्पी. यस, मैंने पूछा, चलो आप मुझे बोल रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी. मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे बताओ क्यों, आप खुश क्यों नहीं हो. मैंने बोला कि मेरा बिजनेस है एंड देर इज अ प्रॉब्लम. ओके, मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ, एक्सप्लेन करो मुझे. उन्होंने बोला कि आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले वो मैंने बिजनेस शुरू किया था. माय एक्सपेक्टेशन इज दैट कि मैं
उस बिजनेस में से 5 करोड़ कमाऊंगा, बट आई एम ए टू, मुझे सिर्फ 2 करोड़ मिले हैं, तो आई एम नॉट हैप्पी। दैट्स परफेक्ट। अगर किसी छोटे आदमी को आप पूछो कि तेरे को 2 करोड़ मिलेंगे, व्हाट विल बी द हिज हैप्पीनेस, वो कुछ अलग है। पर ये बोल रहा है कि नहीं, मैंने 5 का टारगेट रखा था, नाउ आई एम ए टू, सो दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी, बट यू आर लूजिंग द बेनिफिट, यू आर लूजिंग द एंजॉयमेंट ऑफ 2 करोड़, एंड यू आर जस्ट गेनिंग अ लॉस ऑफ 3 करोड़। इट्स अप टू यू, अब कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, यू हैव टू डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। नो वन कैन डिस्टर्ब यू, इवन कहीं पर भी आप जाओगे, आप जिस जगह पर जाओगे, अगर आप खुद खुश होंगे, आप लोगों को खुश कर दोगे। आप खुद दुखी होंगे, मुझे ये थोड़ा एक अच्छी तरह से एग्जाम्पल मैं उसका देता हूँ आपको। लेट से आप आज जॉब पे गए, आज तो रविवार है, कल गए, कल आप जॉब पे गए। जॉब पे जब आपको गए, आपको पता चला कि आपको तो इंक्रीमेंट मिल गया, लाइक $500 मोर ईच मंथ, सो हैप्पी, यू आर सो हैप्पी। घर पे गए, जैसे ही आपने घर में कदम रखा, आपका लड़का आपका लैपटॉप लेके घूम रहा था, एंड आपने ऐसे जोर से दरवाजा खोल दिया, उसके हाथ से लैपटॉप गिर गया। What will be your reaction if this is the situation? The second, definitely the second thought will come, चलो ठीक है, आधी 500 मिला और 500 दे दिया, टेंशन नहीं, अभी फिर वो इंक्रीमेंट तो हर महीने का है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सो यू आर ओके, ठीक है चल, अब तोड़ दिया तो तोड़ दिया, लेट मी पुट इट बैक, दिस इज वन रिएक्शन बिकॉज यू आर हैप्पी। ओके, रिवर्स एक्शन, आपको पता चला कि आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आपको तो 500 कम हो रहा है आपकी जॉब में से, आपकी सैलरी में से, एंड नाउ यू आर गोइंग एट होम, यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर गोइंग होम, एंड अगेन द सेम सिचुएशन अकर्स, क्या होगा? यू नो, सी दिस इज व्हाट, लाइक इफ यू आर हैप्पी यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी, व्हाटएवर द सिचुएशन विल बी। सिचुएशन हर एक के जीवन में आती है जाती है, अच्छी होती है बुरी होती है, फिजिकली अच्छी होती है मेंटली अच्छी होती है, मेंटली बुरी होती है फिजिकली बुरी होती है, वॉट एवर इट इज, पर किसी भी अवस्था में अगर आप खुश रहते हो ना, देन इट विल नॉट हार्म यू। कहने की बात यह है कि ये कैसे करना है, फन मेथड विच आई हैड प्रैक्टिस एंड आई नो That is a meditation. This is a way जिसके द्वारा आप जब करना शुरू करोगे, you will be calm. जब आप शांत होगे ना, तब automatically आपकी आजू बाजू जो भी बनती है घटना है वो आपको असर नहीं कर पाएगी। सिर्फ 1 महीने का नियमित रूप से ध्यान करिए, mark करिए what are the changes that you have in yourself. पर 1 महीने का नियमित रूप से होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एंड देन यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर कहने वाला तो कुछ भी कहेगा, यू डोंट हैव टू बिलीव इट बट इवन यू डोंट हैव टू डिस्कार्ड इट। अगर आपको समझना है, सही में समझना है, डू इट, बिकॉज आई एम सेइंग इट्स राइट, नो It's not that way. You have to do it by your own. करिए, अनुभव करिए और फिर उसे समझिए। तो कल हमने ये बात की, उसके बाद कल शाम को हमने जो चर्चा की वो यह थी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो प्राण ऊर्जा का स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहली बात आती है हमारे जीवन के अंदर जो हमारे शरीर में जो शक्ति है उसे बोला जाता है प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, और उसी का बड़ा नाम दिया जाता है कुंडलिनी शक्ति, जो सुषुप्त अवस्था में हमारे शरीर में है। जब इस शक्ति को किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार की आप साधना करते हो,
और ये साधना करते 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 एक लेवल आता है जहां पर यू आर अबाउट टू लाइक अवेकन द कुंडलिनी, अवेकन द एनर्जी. वो कैसे आएगा? देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, पर वो जब आता है देन द शक्ति मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स. मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र एंड आज्ञा चक्र एंड स्वाधिष्ठान चक्र. इस तरह से ये पूरा रास्ता मैं आपको इसलिए बताऊं कि यू शुड बी क्लियर. इस तरह से करके यहाँ पर उस शक्ति का जब स्थान है, यहाँ पर ये जो जगह होती है उसको बोला जाता है शिव स्थान, और इसे बोला जाता है समाधि अवस्था, इसे बोला जाता है गोलोक की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, बट अल्टीमेटली दिस इज अ प्लेस वेयर द आपका जीव और शिव का मिलन होता है. बस ये साधना है, छोटी सी बात है, 2.5 किलोमीटर एक्चुअली 2.5 फुट का रास्ता है. But you have to do it. पुस्तकों में लिखा होगा, पढ़िए, समझिए, अपने आप को बेसिक तैयार करिए. बहुत मत डीप हो जाइए कि भैया अब ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ, फिर उसको प्रैक्टिकल में लेने का प्रयत्न करिए. सो ये मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, और उसी के हिसाब से आज शाम को अभी ये सेशन के बाद हम जो प्रक्रिया करेंगे उसे बोला जाता है शक्तिपात, के जिसके अंदर माँ भगवती शक्ति कुंडलिनी का जागरण करके हम उसे जागृत करके आगे की तरफ सुषुम्ना की तरफ उसको उसका प्रभाव कर देंगे. फिर आपको आपकी साधना नियमित रूप से करनी है. कुछ भी क्वेश्चन होता है यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉल मी, हम बात करेंगे और मैं उसका जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर करने का प्रयत्न करूंगा. अब इन सभी चीजों में दूसरी बात जो मैं अभी कर रही है वो ये आती है कि सिद्ध हम जीवन में खुशी रहना चाहते हैं. किसी भी व्यक्ति को आप पूछो, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो? डेफिनेटली खुश रहना चाहते हो. इवन आई हैव टॉक्ड विद वन पर्सन, मैं इंडिया में जब था तब मेरे एक आदमी से बात हुई, इज नॉट बिलीविंग इन गॉड. वो भगवान में बिलीव नहीं करता है. मेरे साथ जब उसका इंटरेक्शन हुआ, ही इज डिबेटिंग विद मी, नहीं भगवान नहीं होता है, ये नहीं होता है, आप बेकार में ये सब प्रयत्न करो, ये वो, दैट्स राइट, यू आर सेइंग दैट इज परफेक्ट. एंड मैंने बोला जो चलो ठीक है, हम ये सब समझ लेते हैं, पर आप अगर ऐसा बोलते हो कि भगवान नहीं है और मैं बोल दूं कि हाँ भगवान नहीं है, यू विल बी हैप्पी? हाँ दैट्स फाइन. अगर आप बोलते हो, आप मेरी बात मान लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो मैं खुश हो जाऊंगा. तो बोला नहीं है भगवान, खुश, हाँ चलो अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा. पर मैंने बोला हमारी थियरी ऐसा कहती है कि इफ यू आर हैप्पी देन यू आर मूविंग टुवर्ड गॉड. हम आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, और अगर आप किसी भी प्रकार से आनंद की प्राप्ति करते हो, किसी भी प्रकार से अगर आप आनंद की प्राप्ति करते हो, तो क्या है, आप जाने अनजाने में ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो. उसका क्या करें? बोले नहीं ये तो गलत बात हो गई, आपने पहले बोल दिया कि ऐसा होता है, देन नाउ यू आर सेइंग लाइक दिस. मतलब मैंने तो जो फैक्ट है वो बोला है, बट द थिंग इज व्हाट, इट्स रियल थिंग. किसी भी प्रकार से आप आनंद की प्राप्ति करोगे, आप निर्विचार अवस्था में जाओगे. हर नीचे निर्विचार अवस्था आपको एक लेवल अप ले जाती है. इट्स वेरी स्मॉल प्रपोर्शन. अगर आपको याद होगा या आपने सुना होगा, तो हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य, नॉट मनुष्य एक्चुअली, जीव का 84 लाख योनि में से पसार होके आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है. सो इन ईच लास्ट लाइफ वी आर लर्निंग. व्हाट वी आर लर्निंग? भगवान बुद्ध की बात कर लीजिए. भगवान बुद्ध ने 24 जन्म की बात की, हर जन्म ने उन्होंने शौक खाया है, हर जन्म ने उन्होंने कुछ सिखाया है. जैसे जैसे सीखते गए, इन 24 ही बिकम अ बुद्धा. सो दिस इज व्हाट द लर्निंग फेज. तो कहने की बात यह है कि जब हम साधना की बात करते हैं, उन सभी साधना के अंदर, किसी भी धर्म की बात कर ले, किसी भी संप्रदाय की बात कर ले, सबके अंदर एक चीज कॉमन आती है, और वो चीज जो कॉमन है उसे बोला जाता है अहंकार. इफ यू आर हाई, आपका अहंकार ज्यादा है, आप उससे ज्यादा होंगे, आप दुखी भी ज्यादा होंगे, आपको कंट्रोल करना भी बहुत इजी हो जाएगा. आई नो यू आर सो ईगोइस्ट पर्सन, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे आप तो अच्छा बोल, क्या चाहिए तेरे को,
खत्म। बट इफ यू आर ए स्टेबल पर्सन, आपको पता है कि यह आपकी जो बाप से बात कर रहा है, आपकी जो बढ़ाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इज यूजिंग हिज टूल। आपको अब हेल्प करनी है या नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। मुझे याद है गुरु जी की, मुझे एक बात छोटी सी याद आ रही है। अब बहुत टाइम पहले हम वहां पर गए थे केदारनाथ, सभी साधक के साथ थे। गुरु जी ने क्या किया, अपने जेब में पैसों के एक बंडल रख दिया था, 100-100 के नोट का या कुछ ऐसा बंडल था। और फिर वो जब जो रास्ते जा रहे थे ना, तो वो जो बैगर्स होते ना, वो आए थे, तो उन्होंने सामने से एक को दिया। जैसे एक को दिया, उसने देखा कि यहाँ पर तो बंडल है, तो दूसरे सब मतलब 15-20 उसने जाके बात की, वो सब आ गए। तो गुरु जी ने 1-2, 1-1-2 उन सबको दे दिया। मैं भी साथ में चल रहा था, मैं ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है, और मैं भी मतलब अच्छा था कि चलो आप दे रहे हो, सबको कुछ फायदा होगा। देन आई फाउंड वन थिंग कि जो सबसे पहला आया था ना, वो वापस 20वां आके खड़ा हो गया था, एंड इज टेकिंग द सेकंड टाइम। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मैं गुस्सा भी हो गया, ये कैसे, मतलब दिस इज नॉट गुड। आप नए हैं उनको तो, पर जिनको आ गया है उनके लिए क्यों सोच रहे हो। देन आई आस्क्ड गुरु जी कि क्या अब ऐसा है, आप उसको मत देना। तो गुरु जी ने मुझे क्या बोला कि देखो मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, अब वो दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, आई डोंट नो। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, अब मेरा ये कैलकुलेशन नहीं चलेगा कि वो अगर जब तक मेरे पास है मैं दूंगा। इज सो ईजी कि ये आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, इफ द ईगो इज हाई, डेफिनेटली यू आर गोना से के क्यों तू क्यों दूसरी बार आया, नहीं तेरे को नहीं मिलेगा। जस्ट बिफोर फ्यू डेज मैं एक आदमी से मिला, मेरा एक मीटिंग था, मैं उनसे मिलने गया, जैसे पब्लिक प्लेस, मैं नहीं जानता था उनको, मैं भी देख रहा था कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है ऐसे करके। और वो वहां पर कोई बंदा बैठा मुझे मिला, तो मैंने बोला चलो इसको मैं पूछ लेता हूँ। और मैंने उनको पूछा कि आप मेरे लिए वेट कर रहे हो, आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो उसने मुझे क्या बोला, नहीं आप मुझे ढूंढ रहे हो। सेम, मतलब क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ आप मुझे ढूंढ रहे हो, मिलना तो हमें है ना, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट सी दिस इज अ एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा व्हेन देयर इज अ ईगो, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम विद यू एट दैट टाइम। चलो मैं तो अनजाना व्यक्ति हूँ, पर जब आप अपनी रूटीन लाइफ में जाओगे, यू विल जस्ट पिकअप पर्टिकुलर दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड पकड़ के चलोगे, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। वो प्रॉब्लम आपके लिए इसलिए खड़ा करेगा कि हर जगह पर आपका ईगो हर्ट होगा, या तो वो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर वो ईगो बढ़ जाएगा देन यू विल बी हैप्पी, क्यों, क्योंकि देखा। और अगर ईगो कम हुआ तो क्या होगा, आप दुखी हो जाओगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो सुखी होना है, आनंदित होना है, आनंद में रहना है, तो पहले क्या चीज है कि आपका ईगो बढ़ाओ। पर एक चीज वो भी है कि अगर ईगो बढ़ा, आज बढ़ा है, तो कल कम होगा होगा होगा, और किसी का नहीं बचा है, तो किसी का बचने वाला भी नहीं है। सो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द हार्ड कोर फैक्ट, ये समझना रहेगा कि आपको आपका ईगो आज नहीं तो कल छोड़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही करता हूं, दैट्स परफेक्ट, एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास वो चीज है तो आप वैसा ही करिए, पर अगर आपके पास वो चीज नहीं है देन एक्सेप्ट व्हाट एवर इट इज। कहने की बात यही है कि ईगो इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इट इज अ प्री डिफाइंड नेचुरल प्रॉब्लम। अगर जैसे कि आप कंप्यूटर लेते हो ना, तो क्या होता है कि देयर इज अ प्री इंस्टॉल्ड विंडोज सिस्टम। आप जैसे ही कंप्यूटर ओपन करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी इट इज इंस्टॉल्ड, इट इज प्रोग्राम कि कंप्यूटर कैसे चालू होगा, क्या होगा, वो सब ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इन द सेम वे आवर माइंड इज प्री प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्ड किया हुआ है फॉर ईगो सिस्टम, फॉर फियर सिस्टम, फॉर आप ईर्ष्या की बात करो, ईर्ष्या की पूरी सिस्टम उसमें सेट की गई हुई है।
एंड नेचुरली इट विल कम वेदर यू वॉन्ट टू और नॉट. ये अपने आप नेचुरली बाहर आएगा. एक बार वो बाहर आ गया ना, और उसके बाद उसके बेस पे जो थॉट्स जनरेट हुआ ना, इट विल टेक यू समवेयर. मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां चले गए. सो द थिंग इज व्हाट इज अ मेडिटेशन, व्हाट मेडिटेशन डू, और व्हाट इज अ बिगेस्ट हर्डल इन मेडिटेशन, एंड दैट इज अ इमोशंस. इमोशंस क्या करते हैं? इमोशंस आपको पता नहीं चलने देंगे कि आप क्या कर रहे हो. आप जब वो कर दोगे उसके बाद पता चलेगा, बिकॉज देन यू आर इन नेचुरल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट. और जब उस लेवल पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि आई हैड डन व्हाटएवर दैट इज नॉट राइट और राइट. एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं. ज्यादातर यही होता है, पर मैं ये एग्जांपल इसलिए पकड़ के चलता हूं, दैट इज अ गुड वर्ड. बहुत साल पहले मैं एक हस्बैंड वाइफ से मिला था. आई वॉज इन गुजरात एंड समवेयर इन भूज. वहाँ पर वो मुझे मिलने आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग मिलने आए. अच्छा, मुझे हस्बैंड ने आके बोला हमारा मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, बट वी आर नॉट लिविंग टुगेदर बिकॉज वी आर सेपरेटेड. नॉट सेपरेटेड एक्चुअली, लीगली, बट हम इलीगली वर्बली सेपरेट हो गए. हम अलग हो गए, अलग रहते हैं. पर सच बात यह है कि मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है. मतलब वाइफ मेरे साथ अगर रहती है तो देट विल बी गुड ऑप्शन फॉर मी. मैंने बोला तो अच्छा, तो क्या बात, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बोले बस प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है. मैंने बोला हुआ क्या था वो तो बताओ. मैंने यही क्वेश्चन उनकी वाइफ जब मेरे मुझे मिलने तब भी मैंने मतलब उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ जाना है, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, कुछ कंडीशंस है मेरी. पर मैंने बोला प्रॉब्लम क्या वो बताओ. उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताया. व्हाट इज अ प्रॉब्लम? इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी कॉमन, अंडरस्टैंडिंग. हस्बैंड को बैंगन, हाँ हस्बैंड को बैंगन बहुत पसंद है. एंड वाइफ नोज कि हस्बैंड को बैंगन पसंद है. तो क्या करेंगे हम लोग? बैंगन का साथ खिलाएंगे, सब्जी उसकी खिलाएंगे. ओके, नाउ एक दिन ऐसा हुआ, इंडिया है भी, आपको पता है इंडिया हाउ द इंडिया इज. वहां पर वो मतलब एक सब्जी बेचने वाली औरत आई, उसके पास कितने सारे बैंगन थे कटोरा भर के. और उसने ये जो लेडी थी उनको ऑफर दी. क्या ऑफर दी? कि अभी मेरे को जाना है, आई डोंट वांट टू डू मोर बिजनेस, मुझे कहीं पर जाना है, मेरे पास ये कटोरा है, मैं ये घर पे मुझसे मतलब उठा के कहाँ से लेके जाऊँ. एक काम करो, ऐसे तो बैंगन की कीमत है 5 रुपये के या 10 रुपये के किलो होते हैं, पर मैं आपको 20 रुपये में पूरा कटोरा दे देता हूँ. तो उन्होंने देखा लेडी ने, अरे या दिस इज प्रॉफिटेबल, ले लो ले लो ले लो. और गुड पार्ट इज हस्बैंड को बैंगन पसंद है, दैट्स गुड. ले लिया, हस्बैंड घर पे आया शाम को ऑफिस के बाद, बैंगन का साग, बैंगन की सब्जी, वाह ये तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, वाई नॉट, मजा आ गया. फिर दूसरे दिन ऑफिस गए, ऑफिस में टिफिन खोला, बैंगन, गुड. शाम को घर पे आए, खाना तैयार हुआ, थाली आ गई, बैंगन, वाह. अब 1 किलो की जगह आपने 5 किलो लगा के रखा है बैंगन, बिगड़ जाएगा. व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द लेडीज? तो बिगड़ जाएगा, तो लेट मी सी व्हाट वी डू, वी यूज इट. दूसरे दिन बैंगन, ठीक है, इट्स ओके. शाम को बैंगन, एंड देन देयर इज अ फाइट. जैसे ही वो शाम को खाने बैठा और बैंगन की सब्जी आई, तुरंत ही उसने बोला कि यू हैव टू हैरेस मी, मुझे पता है. वाइफ मतलब लेडी का एकदम इंटेंशन प्योर था कि नहीं उनको अच्छा लगता है, बट शी फॉरगेट द ह्यूमन मेंटालिटी. कि अगर उस एक ही एक चीज आपको बारंबार दी जाती है, देन यू आर गोना हेट इट. आप उसके मतलब ये नहीं, इसके से आप कुछ भी दे दो. तो
फिर उनके बीच में झगड़ा हो गया, बहुत अच्छा झगड़ा हुआ, दोनों इमोशंस में आ गए। वाइफ ने बोल दिया आपको मैंने आपके लिए अच्छा किया, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आई एम लीविंग द हाउस राइट नाउ। मुझे जब मिले तब उस टाइम जो लीव किया था आफ्टर 5 years वी मेट, दोनों सिर्फ बैंगन के लिए 5 साल से अलग रह रहे हैं, दोनों को नजदीक आना है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। तो मैंने बोला दिस इज अ गुड थिंग कि अगर चलो आप दोनों का इंटेंशन ये है तो एक काम करो हो जाओ साथ, परफेक्ट। तो बोले नहीं ऐसे नहीं। हस्बैंड क्या बोल रहा है, अगर वो अपने आप आ जाती है ना आई विल बी वेल रियल। वाइफ क्या बोलती है, अगर वो मुझे लेने आ जाते हैं ना आई विल बी वेरी हैप्पी। झगड़े की बात ही नहीं है, बस अब कौन लेने आ रहा है, किसका ईगो छोटा हो रहा है और कौन कौन नीचे झुक रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन एंड दिस दैट इज अ ईगो क्वेश्चन। और वो चीज 5 साल से चल रही थी उस टाइम, आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, 5 साल से वो सिचुएशन चल रही थी। एंड द सेम वे इट हैपेंस विद द पीपल व्हेन यू आर टेकिंग एनी डिसीजन इन इमोशन, इन ईगो इमोशन, इन एंगर इमोशन और व्हाटएवर इट इज, वो डिसीजन हमेशा गलत होता है। ठीक, उसके बाद फिर सामने वाला भी ईगो पे आ जाता है, आप भी ईगो पे आ जाते हो, देन अब कौन नीचे गिरेगा उसमें पूरी जिंदगी चली जाती है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ईगो इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन काइंड। टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना है तो उसके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू एक्सेप्ट इट, इट इज फाइन, आपके ऊपर उसकी असर नहीं होगी। Meditation will remove the ego, not remove actually, it will stabilize the ego and it will use the ego. आपको वो इतना काम करेगा, आपको वो इतना शांत करेगा कि ईगो जब आपको यूज करना है तब आप उसका करो, गुस्सा जब आपको यूज करना है तब आप उसका गुस्सा का उपयोग करो, नहीं कि गुस्सा आपका उपयोग कर ले। आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, अचानक वो मतलब टेक्निकली इंटरनल प्रोसेस ये होती है कि जब सिचुएशन ऐसे खड़ी हो जाती है दिमाग में से एक केमिकल ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, जैसे ही वो मिक्सअप होता है अपने आप पूरा शरीर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लाल लाल होने लगते हैं और फिर धीरे 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 माइंड का कंट्रोल जाने लगता है एंड देन यू ब्लास्ट। जब वो ब्लास्ट होता है उसके बाद आपको पता चला, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जब मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है देन आई एम डूइंग एनीथिंग, पर उस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको क्यों ऐसा किया, मैंने उसको क्यों डांटा। बट उस टाइम समथिंग इज लाइक आई कैन नॉट कंट्रोल, मतलब कि गुस्सा आया आपको ले गया, आपको तो पता ही नहीं है, यू जस्ट गॉन। जब आप वापस आए तब आपको पता चला ओ द सिचुएशन इज नाउ डिफरेंट, बिकॉज these are the emotion and they are so powerful tools. Emotions are so powerful that when they came you don't know. It will create a strong environment. You cannot come out of that environment. और जैसे ही वो environments के अंदर आप घुस जाते हो, you cannot understand what is going on. आप बस जो कर रहे हो होता रहता है. And then later on, जब आप उसमें से बाहर निकलते हो तब आपको लगता है कि ओ व्हाटएवर आई हैव डन। कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इमोशंस आर देयर, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, बट इफ दे आर कंट्रोलिंग यू इट्स अ प्रॉब्लम, इफ यू आर कंट्रोलिंग देम इट्स अ परफेक्ट सिचुएशन। जहां पर आपको गुस्सा करना है, आपका बच्चा है परेशान कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, एट दैट टाइम यू कैन शाउट ऑन हिम, आप उसको बोलो कैसा क्यों कर रहा है, बट यू हैव, आपको खुद को करना है, नहीं कि गुस्सा आ गया वो ले गया और सिचुएशन हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी क्राइम करते हैं, जो जनरल सिविलियंस जो क्राइम करते हैं, और उन लोगों को अगर आप जेल में जाके पूछेंगे, प्रिजन में जाके पूछेंगे कि आपने जब ये जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी की, एट दैट टाइम यू आर कॉन्शियस, आपको पता था कि आप ये कर रहे हो, बोले नहीं कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई, देन आई जस्ट
मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, हो गया उसके बाद पता चला, एंड देन आई एम इन क्राइम, मतलब मैं क्राइम सिचुएशन में आ गया हूँ. सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन कॉन्शियसली, यू हैव टू यूज दोज इमोशंस. उसी में एक ये जो इमोशन है वो है ईगो का. देयर आर टू वेज. फर्स्ट वे, गॉड हैड क्रिएटेड अ शॉक ट्रीटमेंट. यू नो व्हाट इज शॉक ट्रीटमेंट? आपको शॉक देना है. शॉक मतलब नॉट अ इलेक्ट्रिक शॉक, बट द शॉक विच मेक यू थिंक अबाउट द सिचुएशन. आपको सिचुएशन के बारे में एकदम सडनली आप कॉन्शियस हो जाओ कि ये क्या हो रहा है, एंड देन सडनली यू अंडरस्टैंड दैट ओके, ईगो इस तरह से ब्रेक होता है एंड दिस इज व्हाट माय सिचुएशन इज. और बहुत आउट होता है एट दैट टाइम, मतलब ये शॉक सिचुएशन आती है. लेट से, लेट मी टेक अ वन स्मॉल एग्जांपल. आप अपने सिकंदर का नाम सुना होगा, इज वेरी लाइक बिग एम्पायर उसका था, और उसने 32 साल तक अलग अलग जगह पर युद्ध किए, ये जीत लिया, वो जीत लिया, ये ले लिया, सब कुछ ले लिया, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स अचानक वो सिचुएशन वैसी हो गई कि वो मृत्युशैया पे चला गया. ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं अभी तो ये सब करूंगा, देन व्हाट आई माय प्लान इज, मैं उन सभी पे राज करूंगा, इतना बड़ा मेरा पूरा वर्ल्ड में मेरा शासन होगा, एंड आई विल वर्क ऑन दैट, एंड मैं सबको सबका राजा बन जाऊंगा. बट ही जस्ट डाइड. बट बिफोर डाइंग उसने सोचा, उसने देखा कि ये क्या हो रहा है. आई हैव एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम लुकिंग फॉर. वो सब करने के बाद भी क्या, आई एम नॉट एबल टू यूज दोज थिंग्स, आई एम जस्ट एक्वायरिंग. Guruji was like, when Guruji was told me something about the this part, मुझे क्या बोलते थे कि there are two type of people who came in this world, or the two type of karma, दो तरह के लोग होते हैं. The first one is who come here in this world to earn, they just keep earning. ये वो बस यहाँ से इतना profit हो गया, वहाँ से इतना profit हो गया, वहाँ से इतना profit हो गया. And there are other people who are here to spend. क्योंकि already पापा ने earn कर लिया है, तो अभी तो इकट्ठा करके करेंगे क्या, तो spend करो. Because you don't have to understand of the value of particular that money. कहने की बात यही है कि सिकंदर को ये पता चला कि मैंने जो इतना सारा इकट्ठा करने का प्रयत्न किया, मैं तो अभी शांति से सो भी नहीं पाया हूँ एक भी दिन. मैं तो 18 साल का था, युद्ध करने निकल पड़ा हूँ, एंड देन आई एम जस्ट मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग एंड फाइटिंग, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. और ये सब मैं चीज़ें कर रहा हूँ, और मुझे जब एक्चुअली में यूज करना था, आई एम नॉट एबल टू, एंड देट इज अ शॉक फॉर हिम. ही अंडरस्टैंड दैट ओके, दिस इज अ शॉक. उसने ऐलान किया कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो मुझे बचा लो. आई कैन गिव माई हाफ ऑफ द टोटल इज राजपाट टू देम, वो पूरा आधा उनको दे दूंगा, पर मुझे कोई बचा लो, इट्स पॉसिबल. नो वन एबल टू, एंड देन एट दैट टाइम इफ यू रीड द हिस्ट्री सेड दैट कि तो फिर क्या करो, जब उसका फ्यूनरल होता है, तब एट दैट टाइम यू लीव माई हैंड ओपन एंड लेट एवरी वन नो दैट दिस इज अ सिकंदर, एंड ही इज लाइक He's a king. He have 50,000, 1 lakh people. वो अगर बोलेगा कि मेरे लिए मर जाओ, तो कूद देंगे वो सब. पर वो कूदने के बाद भी मैं बचने वाला नहीं हूँ. See, the thing is what you can get everything, but if you don't understand कि उसका क्या करोगे, उसकी लिमिट क्या रहेगी, then you just keep going on and going on and going on, and then the shock will be there. तो पहली ट्रीटमेंट जो होती है, जो नेचर की ट्रीटमेंट है, जिसे बोला जाता है शॉक ट्रीटमेंट. आज नहीं तो कल, अगर आप ईगो रख के चलते हो, आज ऊपर है तो कल नीचे होता है. एंड एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया में बहुत सारे लोग मुझे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बहुत हाई लेवल पे होते हैं, उनसे मेरी जब बात हुई, वो जब मिलने आया, दे फील डिप्रेस्ड. मैंने बोला क्यों डिप्रेस्ड, डिप्रेशन क्या है आपको? बोले कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ आईएएस ऑफिसर, सभी मेरे को बोलते थे सर हाउ आर यू, सर यू नीड दिस, आपको ये चाहिए वो चाहिए, सो मच रिस्पेक्ट.
एंड आई एम यूज टू यूज दैट रिस्पेक्ट. मुझे अच्छा लगता था कि हाँ आई एम समथिंग. बट इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे व्हेन आई गेट रिटायर्ड, वही जो आदमी मेरे को मतलब वो मेरे साथ खड़ा रह के बात नहीं कर सकता था, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि कैसे हो. इमीडिएट रिएक्शन इज दिस एंड देन हर एक की साइकोलॉजी चेंज हो रही है. अब तो कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है ना, रिस्पेक्ट साहब है तो रिस्पेक्ट दे दिया, पर ना उतनी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है. एंड ही फील डिप्रेस, अरे ऐसे कैसे, मतलब व्हाट इज दिस, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, बट दिस इज अ फैक्ट. सो दिस इज अ शॉक ट्रीटमेंट. द सेकंड थिंग इज विच इज वेरी गुड एंड इट्स अ कल्चर. कल्चर में मतलब व्हाट वी हैड लर्न, हमने क्या सीखा हुआ है. When you go in the temple, you have to respect, you have to pray to God. आपको क्या करना है, वहां पर जाके नमन करना है. आपको पता चले या ना चले, आप क्यों कर रहे हो, there is a science, but let me say general terms. आपको पता चले या ना चले, आपको उनके पास जाके, भगवान के पास जाके आपको नमन करना है. आज एक बार किया, रोज कर रहे हो, हर रोज हमने बोला जाता है कि माता पिता को नमन करो, उनके पैर छुओ रोज. क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से अपनी हर रोज नमन करने की प्रक्रिया रहेगी ना, देन यू विल बी काम. ऑटोमेटिकली आपका मन जो है ना एक एटीट्यूड में नहीं चला जाएगा, आपका ईगो नहीं बढ़ेगा. आपको ईगो होगा, पर कितना होगा, प्रोटेक्ट करने का ईगो होगा, नॉट कंट्रोलिंग ईगो. तो इसकी इस चीज के कारण ऐसे छोटी छोटी चीजें हमने ऐड कर दी है कि आपको जाके क्या करना है, रोज सुबह उठ के भगवान को छूना है, भगवान के पैर छूने हैं, माता पिता के पैर छूने हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स, बट दिस स्मॉल थिंग्स विल क्रिएट अ गुड साइकोलॉजी इन योर माइंड कि यस यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट. एंड रादर देन रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, आप अपने आप को उनसे नीचा हो रहे हो, आपसे उनको नमन कर रहे हो. जब आप नमन करोगे आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगेगी. आप मैं ही हूं ऐसा नहीं होगा. तो ये जो प्रक्रिया, छोटी छोटी प्रक्रिया है जो हमारे शास्त्र ने, हमारे कल्चर ने हमें बताई हुई है कि दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इट. अच्छा, टेक्निकली इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी मूर्ति के पैर छूते हो, किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हो, माता पिता के पैर छूते हो, और जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने पिताजी के पैर छूने गए, आप जब पैर छूने जाते हो तो क्या होता है, ही इज वॉट एवर इन हिज माइंड, उसके दिमाग में जो भी चलता हो, पर जब उनके पैर छूते हो देन डेफिनेटली हार्टली फीलिंग इज वॉट, आशीर्वाद ही निकलता है. आप उसको आशीर्वाद देते हो, दैट आशीर्वाद विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम योर हैंड. आप हमारी प्राण चिकित्सा की शिविर होती है, हीलिंग की शिविर होती है, उस शिविर के अंदर ये वाइब्रेशंस क्या है उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल बेस पे चर्चा की जाती है एंड प्रैक्टिकल किया जाता है. बट फॉर राइट नाउ आपके हाथ में से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं जो मैक्सिमम होते हैं, और जो व्यक्ति आपके पैर छूता है उसके जब आप हाथ पे ऐसे मतलब सर पे हाथ रखते हो, देन योर एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू हिम एंड देयर इज अ बेनिफिट. तो इस कारण ये सब प्रक्रिया होती है. मंदिर में भी यही होता है कि जब आप मंदिर के एनवायरमेंट, मूर्ति जो है उस मूर्ति को आप रोज पूजा करते हो, इसके अंदर वो मूर्ति खुद पॉजिटिव एनर्जी से भरी पड़ी होती है, और जब उसका जहां पर जाके आप पैर छूते हो, इट विल गिव यू द फुल वाइब्रेशंस. इवन आई एम लाइक एक प्रयोग है, मैंने शायद कल नहीं बताया आपको. वेन एवर यू हैव अ हेडेक, होता है हर एक को होता है, whenever you have a headache or any other problem, small problem, small physical problems, you are not feeling well, feeling discomfort, उसका प्राणिक मतलब कि योग की दृष्टि से रीजन ये होता है कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल ऑफ माइंड विल इंक्रीज, इवन द फिजिकल कंट्रोल आपका कम होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है. You can do this. Try to do this. I don't know what situation is there in Canada, but there are number of trees, there are number of temples. आप जो भी positive energy वाली जो tree है उसके पास जाओ. जैसे कि मैं India की सिर्फ बात कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ के trees मैंने focus ही नहीं किया. पर mostly all the trees are positive. जैसे कि India में हमें world का जार्बनियन tree,
वहाँ पर आप जाओ, नीम का पेड़ होता है उसके पास जाओ, दीज आर द पॉजिटिव एनर्जी ट्रीज। जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी ट्री के पास जाते हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड योर बॉडी बिफोर यू गो देयर। अब देखिए आपको सर में यहाँ पर दर्द हो रहा है, चलो ठीक है लिख डालो नोट में कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, एंड देन यू गो देयर, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट ओवर देयर, जस्ट सिट। आप सिर्फ वहां पर जाके उसको सपोर्ट लगेंगे, ऐसे बैठ जाओ आधे घंटे तक बैठो, एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू ऑब्जर्व योर बॉडी अगेन कि कहां पर क्या दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। डेफिनेटली जब आप वहां पर जाओगे, आपका जो दर्द है वो कम से कम आधा तो हो ही गया होगा, कम हो गया होगा, बिकॉज दिस आर द हीलिंग ट्री एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रेइंग ट्रीज। हम वृक्ष को, हम ट्री को क्यों रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं, बिकॉज दिस आर द पॉजिटिव ट्रीज, दिस गिव यू पॉजिटिव एनर्जी। मतलब कि कहने की बात सिर्फ यही है कि यह नमन करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे ईगो को शांत करती है, हमारे ईगो को बढ़ने नहीं देती है, इट कंट्रोल इट। ये दूसरे किसी को उसका लाभ मिले या ना मिले, पर पहला लाभ आपको मिलता है, जो पर्सन ये कर रहा है उसे मिलता है, क्योंकि वो सभी चीजें समझने में उसकी उसकी थिंकिंग बड़ी हो जाती है, ये अंडरस्टैंड। इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा लंबा होता है, पर वो समझ के होता है, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होता है। सो बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हेन यू डू मेडिटेशन ऑल दैट इमोशंस विल कम आउट। आपके अंदर जो इमोशंस पड़े हुए हैं ना वो बाहर आएंगे। मैंने कई लोगों से सुना है कि व्हेन आई वाज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड देयर इज सडनली द फीलिंग ऑफ एंगर कम अप, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या गुस्सा हो रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ तो किस पे हो रहा हूँ, इवन दैट इज अ क्वेश्चन। कई बार डर लगता है, बेकार में डर, मतलब ऐसे बैठे हो डर लगता है, या फिर आपको अलग अलग इमोशंस की मतलब फीलिंग आने बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स जो आपने एक बार की है वो अंदर से बाहर निकल रही है, उसे निकल जाने दो, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आज मैं व्हेन यू आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम इट माइट नॉट हैपन, बट व्हेन यू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम automatically all the emotions which you had put in yourself वो बाहर आने लगेंगे। जैसे जैसे वो बाहर आएंगे ध्यान के दौरान आपको पता चलेगा कि अरे बेकार में मैं मतलब गुस्सा हो रहा हूँ, क्या गुस्सा हो रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है, बट इट इज कमिंग आउट, सो लेट इट कम, बट यू हैव टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ पर्टिकुलर दैट सिचुएशन, एंड देन वेन यू जस्ट कीप डूइंग दिस थिंग्स देन लेटर ऑन द इमोशंस विल बी ऑन योर हैंड। आपको गुस्सा होना है, आप गुस्सा होगे, सिचुएशन आपको गुस्सा करवाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट्स लाइक अ टूल कि आपको गुस्सा होना है, चलो मैं हो गया, बस इतना ही होना है, अब वापस आ जाओ, ये सभी इमोशंस आपके साथ में आ जाएंगे, और जैसे वो इमोशंस कंट्रोल होंगे ऑटोमेटिकली टू इफेक्ट्स, प्राण एनर्जी विल बी डेवलप, और प्राण एनर्जी डेवलप होगी तो ये इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट यू फील हैप्पी व्हाटएवर विल बी द सिचुएशन, ये आपके ऊपर। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन में जा रहे थे तब क्या हुआ, वो बैठे हुए थे, दो तीन लड़के वहां पर बैठे थे, और उनको लगा कि ये तो साधु है, इसको क्या पता चलेगा, तो उन्होंने तो इंग्लिश में उनको ऐसा आता है वैसा होता है, ये तो ऐसा आदमी है तो वैसा आदमी है, सब बोलने लगे थे। स्वामी को शांति से बैठे रहे, फिर दूसरा स्टेशन आया, दूसरे स्टेशन में जब वो दूसरा एक बंदा वहाँ से ऊपर ट्रेन में आया तो वो तो स्वामी विवेकानंद के साथ इंग्लिश में बात करने लगा, तो स्वामी विवेकानंद ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, फिर वो तो चला गया, और फिर जब वापस स्वामी जी वहाँ पर जाके बैठ गए तो वो जो तीन चार लड़के थे वो तो कन्फ्यूज हो गए, क्या करें, हम तो जोर जोर से बोल रहे थे कि ये तो ऐसा होता है, ये जो यहाँ आदमी बैठा है ये ऐसा होता है वैसा करता है, मतलब जो भी अच्छा बुरा जो भी बोला वो सब बोल दिया, उसने सुना है, हमें पता है कि उसने सुना है, तो अभी एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट चलो जाके उसको सॉरी बोलते हैं। तो उसने स्वामी जी से आके जाके बोला चारों ने कि देखिए स्वामी जी हमारी गलती हो गई और हमें माफ़ कर दीजिए, जस्ट फॉरगिव अस। स्वामी ने बोला ठीक है आप माफी मांग रहे तो बराबर है, पर मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मुंह है, आप बोल रहे थे और आपके विचार थे, अब उन विचारों को अगर मैं पकड़ लेता हूं तो मैं दुखी होऊंगा, तो मैं गुस्सा होऊंगा, पर मैंने पकड़ा ही नहीं है, आप अपने इस मुंह से बोल रहे हो, आप आ रहे हो, जैसे
हर एक चीज मुझे सुनाई देती है, वैसे ये चीज भी सुन के निकल गए. देर इज नो इंप्रेशन. इफ देर इज इंप्रेशन डेफिनेटली मुझे आपको माफ करना पड़ेगा, पर आपकी सिचुएशन में देर इज नो इंप्रेशन. अगर ये नो इंप्रेशन है तो मेरे आपको माफ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज वॉट ही इज यूजिंग हिज इमोशंस. जब मुझे यूज करना है तब मैं कर रहा हूं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. और ज्यादातर ऐसा ही होगा कि सिचुएशन होगी एंड देन यू गो ऑन. तो यह प्रक्रिया को सरल करने के लिए दूसरी भाषा में जीवन में इमोशन के द्वारा जो टेंशन क्रिएट होता है, जो दुख क्रिएट होता है, उसे कम करने के लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन रेगुलरली. सो लेट वी डू मेडिटेशन. आई एम नॉट गिविंग, मैं आपको रिसेस नहीं दे रहा हूँ. सीधा हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे. सो वी कैन सेव अवर टाइम. पहली बार आए ऐसे कितने लोग हैं, मतलब आज पहली बार हमने ध्यान कभी नहीं किया है. ओके ओके ठीक है. ओके तो अभी मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कैसे ध्यान करना है, थोड़ी उसकी क्रियाएं समझा देता हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. मेडिटेशन में सबसे पहली जो बात होगी, आपको कुछ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर माइंड एंड बॉडी. आपके मन और शरीर को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है. जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज द मेडिटेशन. बट थोड़े छोटे छोटे रूल है. पहला रूल फिजिकल बॉडी के लिए, फिजिकली आपका जो रूल है वो क्या होगा कि आपको आपकी कंफर्टेबल पोजिशन लेनी रहेगी. एकदम कंफर्टेबल, आपको जो अच्छा लगे उसमें बैठो, सोफे में बैठो, कुर्सी में बैठो, नीचे बैठना है नीचे बैठो, पैर लंबे करके बैठो, इट इज अप टू यू, बट यू शुड बी, आपको बैठना होगा. दैट इज अ वन थिंग. द सेकेंड पार्ट इज दैट आप जब बैठे हो तब आपको शरीर हिलाना नहीं. एक बार आप बैठ गए तो आपको कुछ भी हो जाए शरीर हिलाना नहीं. अगर आपने शरीर हिला दिया तो इनिशियली जो 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेशन बैठते हो वो आपका रिलैक्सेशन पोर्शन होता है. वो रिलैक्सेशन पोर्शन एक बार हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी मूवमेंट का पोर्शन शुरू होगा. तो एनर्जी मूवमेंट का पोर्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप रिलैक्स ही नहीं हो रहे हो. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी रिलैक्स. आपको पूरा शरीर भगवान को सौंप के भगवान को देके बैठ जाना है, शांति से बैठना है. एक बार बैठ गए फिर शरीर हिलाना नहीं है. कुछ भी हो जाए शरीर हिलना नहीं चाहिए. हो सकता है पहली बार बैठे हो तो शायद पैर थोड़े जकड़ जाए, हाथ थोड़े जकड़ जाए, दैट्स फाइन, क्योंकि पहली बार बैठे हो इसलिए. पर थोड़ी उसकी आदत रखोगे ना तो क्या होगा, धीरे 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 आपका शरीर उसमें कंफर्टेबल होता जाएगा. एंड द लास्ट थिंग इज आपको आंख बंद रखनी है. आपको ध्यान लगे या ना लगे देयर इज अ डिफरेंट, पर आपको आंख बंद रखनी होगी. जब आंख बंद रखोगे कब ध्यान शुरू हो गया पता नहीं चलेगा, पर अगर आंख खुली होगी नथिंग विल हैपन. और द लास्ट थिंग इस दौरान अगर आपको कुछ क्रिया है वो अपनी कंपन डोलना, वैसे आगे गिर जाते हो पीछे गिर जाते हो, शरीर में वाइब्रेशन आते हैं, आपको हंसना आता है, रोना आता है, इफ समथिंग लाइक दिस लेट इट हैपन. मैंने कई कारणों